कवि गुरु रंगाधर गंगाधर सतरे गोटे ओडिया गाए बर पाली तोर स्निग्ध कोळरे जतन होइछि खार बर पाली तोर स्निग्ध कोळरे जतन होइछि खार खार से तो कोटी ओडियार पुंजित हाहाकार पुंजित हाहाकार वास्तविक कोटी जनगण मनर कवि ओडिशा द पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रेमी जो कहा प्रकृति कवि स्वभाव कवि रंगाजीव गंगाधर मेहर आम तपस्विनी काव्य पढ़ुते चतुर्थ सर्ग विशेषकर एक पौराणिक विषय वस्तु आधारित होता मर्यादा बंधु पुरुष रामचंद्र और देवी सीता जे कि भारतीय दाम्पत्य जीवन जुग्म दार्शनिक दिग उन्मोचित होती है काव्य मध्यम ये काव्यर प्रथम पद आम आलोचना करे आज पे तार द्वितीय पद को आम आलोचना करवा यथाक्रमे प्रथम पदर कहला कि भाव देवी सीता पद्मपुष्प को निजर नेत्र रूपे सजाई कहुए सबुज बरणीर सबुज अरण्यर कमी डालपत्र को निजर हस्त रूपे से सजाई आहुरी किभव महांती सकाल काकर बिंदु को से मुक्त रूप से सजाई देवी को अभ्यर्थना करने सीता देवी को आहुरी कोई को निजर कंड रूप से सजाई से आसुंट देवी सीता प्रभात कालीन अभ्यर्थना संवर्धना देवाई एक कथा कहुई एवं आसतु तार परवर्त पद को पे आलोचना करवा आगामी परीक्षा पाए बहुत गुरुत्व रखता है पद कह कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंति मने केउ जोगेश्वरी आसे मधुर भासे आश्वासी डाकुछन्ति दुख राशि उपसमने देवा पानी नर जीवन स्वरूपियो भाई चन्ति वास्तविक चोखी छंद रचित होता यह पद निश्चित भाव में कह जा चारि पाद एक पद एवं यह प्रथम दुई पाद यथाक्रमे 29 अक्षर विशिष्ट एवं यार तृतीय पाद यथाक्रमे 9 अक्षर विशिष्ट एवं यार चतुर्थ पाद यथाक्रमे 13 अक्षर विशिष्ट एथिपाई कहगला यार ज्योतिपाद नियम निश्चित भाव में 6-2, 6-2, 6-2, 5 यह प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद प्रयोज्य विशेषकर कहगला यार तृतीय पादर जो ज्योतिपादर नियम कह 6-3 एवं यार चतुर्थ पादर ज्योतिपादर नियम हूँ 6-2-5 यह भाव में चौकी छंदर यहाँ गायन कर पे आसतु यार अर्थगत विशेषता को आम प्रकाश करसाय लाल रंगर पाट वस्त्र को परिधान कर उषा देवी आसुंच पुष्प परी कोमल एवं अत्यंत सौंदर्यवती वेशभूषा से आसुंच सामग्रिक भाव में निजर शरीर को पुष्पर विमानित कर कोमल पुष्पर आभरणयुक्त शरीर कांतिमुक्त शरीर सौंदर्यमय भाव में उषादेवी आसुंचाई कहला कुसुम कांति विकास कुसुम निजक सजाई होजक विकसित करे कह फुलराणी कह प्रभात राणी कह कुसुम कांति विकास सामग्रिक भाव में पुष्पर निज अंग सजाई मंडन करत्यंत महिमानित सौंदर्यवत भाव से आसुंची कह प्रशांत रूप विका विश्वास दिखती मन प्रशांत प्रसर्ग शांत जो कह अत्यंत शांत अत्यंत धीर अत्यंत निश्चल स्थिरचित होती प्रशांत रूप विश्वास दिखती मन से विश्वास बीज बपन कर समस्त हृदय समस्त मन में आशा संचार कर विश्वास संचार कर एक सकारात्मक भावना तैयारी कर प्रत्येक मन में इन विश्वास शब्द पेटर व्यवहार कर पाने निश्चित भाव में कहु योगेश्वरी आसी सतरे
स्वर्गभूमि रूपे योगेश्वरी जो कात्यायनी जो आदिशक्ति जो कहुच्छे महामारी एवं से सतरे जगमाया योगेश्वरी से जगर ईश्वरी जो कहुच्छे से क्यों तपस्विनी आसुचार स्वर्गभूमि जो महामारी आदिशक्ति शक्तिमयी ओल्ल आसुच मधुर भाषा आश्वासी मीठा मीठा कथार कोमल कोमल कथार से आश्वासन देवा आसुच्च क्या मैंने आश्वासी अर्थात आश्वासन दवा सांत्वना दवा सत्य जीर गरीबिणी जीर दुखिणी देवी जानकी को आश्वासन देवाई सांत्वना देवाई स्वर्गभूमि जो महान देवी आविर्भाव घटू मतभूमि को आसुच्ची आहुरी कहुच्छे पे डाकुंत दुख राशि उपशमने डाकुंत डाकुंत दुख राशि उपशमने अर्थात सामग्रिक भाव में देवी सीतांकर जो असहनी दुख जनक नंदी जो अत्यंत दुख राशि कहुच्छे राशि शब्द अर्थात बहुवचना शब्द अनेक दुखर समाह जीवन में घटी जानती जनक नंदी सीता जीवन में असहनी दुख केवल दुख ही दुख तर चिरसाथी सीतांकर रूप होटी डाकुंत दुख राशि उपशमने असत बाटिकार दुख जनक नंदी सीता पुणी पुनर्वार रामचंद्र जो निर्वासन दंड दे दुख ये दुख से जो अतिष्ठ होती देवी जान जनक नंदी डाकुं दुख भार को आगव करदेपी दुख भार को कमे देवाई दुख भार को प्रशमित करने उपशम शब्द सेठे निश्चित भाव पे प्रयोग डाकुंत दुख राशि उपशमने आई देवाई नव जीवन हृदय नुआ जीवन संचार करने देह नुआ स्पंदन सृष्टि करने एक सकारात्मक भावना हृदय परिस्फुटन करने देवी उषा सीतादेव को प्रगल भाव करने पतिपरायण जनक नंदी एवं वाल्मीकि आश्रम पतिहित साधी यज्ञ आयोजन करीरकाल पति सुहागिनी देवी जनक नंदी को कि भाव में देह नुआ जीवन सृष्टि करने नुआ जीवन संचार करने से ओह्ल आसुच्च स्वर्गर जोगेश्वरी उपर यह उषादेवी को कहुई स्वर्ग की ओह्ल मर्त्यभुवन सत्य जमी तुम योगेश्वरी जोगमाया स्वर्गर ओह्ल आसुच्च सीतादेवी दुख को निवारण करने दुख को लाघव करने दुख को हटे देवाई वास्तविक यह भारतीय समाज एक पूज्य पूजार परंपरा दुखने पड़ा यही बंधु मानी साथी सहोदर मानी जेकोसी मनुष्य संकल्प को जाए और साथी किसी अभ्यर्थना नहीं था यह फल कहुए ना दुख बांटिले कमी जाए और सुख बांटिले बढ़ी जाए आम महान भारतीय आदर्श आम महान भारतीय परंपरार यह एक सम्यक झलक निश्चित भाव में श्रेणीगृह ये सुंदर तथ्य निश्चित भाव में बाहर को जीवन व्यक्तिगत जीवन में यार निश्चित भाव प्रभाव पड़ो आज धन्यवाद।